राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और ये मैंने एक अफगानी ट्राउजर बनाया है समर के लिए। इसमें मैंने ऊपर इलास्टिक लगाया, इसमें और ड्रॉ स्ट्रिंग भी लगाई है मैंने, और नीचे इसकी इस तरह से गैदरिंग करके मोरी बनाई है, और इसमें मैंने पॉकेट भी लगाई है, और इस तरह से इसका लुक आएगा। तो चलिए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग और पॉकेट लगाना देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को लंबाई में करके चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है, और खुली साइड मेरी तरफ है, बंद साइड आपकी तरफ है, और 2 इंच मैं ऊपर इलास्टिक के लिए इस तरह से निशान लगाकर एक सीधी लाइन खींच लूँगी। और अब मैं इसकी लूँगी लंबाई का, तो लंबाई मेरी 41 है। आपकी जितनी भी लंबाई हो आप अपनी लंबाई का निशान लगाकर एक सीधी लाइन खींच ले। और अब मैं लगाऊँगी मोरी का निशान। मोरी में 14 इंच होगी तो 7 पे निशान लगाया, और 10 अब लगाऊँगी 10 इंच पर निशान। ये मेरी गैदरिंग के लिए होगा। अब मैं लगाऊंगी आसन का निशान 12 इंच पर। 12 इंच पर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 40 मेरी कमर है, तो उसका चौथा हिस्सा होगा 10, 2 इंच ऐड करके उसमें हो गया 12। और 3 इंच अंदर की साइड लेते हुए आप देख रहे होंगे मैंने एक बॉक्स बना लिया है। 3 इंच मैंने अंदर की साइड लिया और सीधी लाइन खींच कर एक इस तरह से राउंड शेप दे दी मैंने। और अब सेफ पट्टी की सहायता से ऊपर से लेके जो नीचे का हमारा जो निशान है वहाँ से हम इसको इस तरह से कर्व पे दे लेंगे। अगर आपके पास सेफ पट्टी ना हो तो आप सीधा निशान मिलाकर हल्का सा कर्व दे दें। और अब हम लगाएंगे अपनी, अब मैं कटिंग दिखाऊंगा आपको पॉकेट की। तो लंबाई मैंने 14 इंच की ली है और चौड़ाई मैंने 7 इंच की ली है, और मैंने ये एक डबल कपड़ा लिया है। तो चलिए अब हम अपनी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो ये मेरा फ्रंट वाला पैनल है, और अब हम सबसे पहले इसकी आसन की सिलाई लगाएंगे। आसन की सिलाई मैंने लगा ली है, और 1 इंच जितना मैंने ये कपड़ा छोड़ा है, ये आपको मैं बताऊंगी कि क्यों छोड़ा है मैंने। और अब हम लगाएंगे अपनी पॉकेट। तो ये 2 इंच मैंने जो इलास्टिक के लिए छोड़ा था उसको छोड़कर इसके नीचे 2 इंच का और निशान लगाएंगे, और इसको भी छोड़ देंगे। तो ऊपर से 4 इंच छोड़कर अब हम लगाएंगे पॉकेट का निशान। तो मैंने 6 इंच पर लगाया है, और इस तरह से हम आधी इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक बॉक्स बना लेंगे जैसे मैंने बनाया है। इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है, और अब हम लेंगे अपना पॉकेट का कपड़ा। बीच में से मैंने इसको जॉइंट कर लिया है इस तरह से आप देख रहे हैं, और जहाँ से हम पॉकेट लगाएंगे वहाँ से हल्का सा इस तरह से कर्व कर देखकर उसकी कटिंग कर देंगे। बस इतना सा इसका करके इसकी कटिंग कर देंगे। और अब हम, ये मेरी सीधी साइड है, और इसके ऊपर हम अपना पॉकेट इस तरह से रखकर 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे हम, जो निशान लगाया है उससे 1 इंच ऊपर की तरफ, ताकि ये हमारा उसमें सिलाई में चला जाएगा तो अच्छे से अटैच हो जाएगी। और जो नीचे निशान लगाए थे सेम वैसे ही हम ऊपर की तरफ भी निशान लगा देंगे, और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा ली है, और जो आधी इंच जितना हम छोड़ा था उसको हम कट लगा कर इसको हम उल्टी साइड में फोल्ड कर देंगे, जैसे मैं कर रही हूँ आप उस तरह देखें। और ये मैंने अंदर की साइड कर दी है, और जो कट लगाए थे उनको हम बाहर की साइड निकाल देंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। सिलाई मैंने लगा ली है, और अब हम इस पॉकेट को इस तरह से उल्टी साइड करके, और एक जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, और इसको बंद कर लेंगे यहाँ पर। सिलाई मैंने लगा दी है, और अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे, और इस पॉकेट को हम कर लेंगे अंदर की साइड, जो उल्टा उल्टी साइड है ना उस तरफ से उसको अंदर कर देंगे, और तो हमारा दूसरा कपड़ा बाहर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे सीधी, मैं आपको मार्कर से करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम, और जो सिलाई है उसके ऊपर सिलाई नहीं आएगी, और इस तरह से हम सीधी सिलाई लगा देंगे। ये हम इसलिए लगा रहे हैं तब हम बैक साइड का जो जोड़ेंगे ना तो हम हमारी अच्छे से जुड़ जाएगी। ये हमारी पॉकेट अटैच हो गई है, और अब मैं लूँगी बैक साइड का, और या इसका भी हम आसन जॉइंट कर लेंगे, और इसमें भी 1 इंच जितना हम कपड़ा छोड़ देंगे। ये मेरी सीधी साइड है, और पॉकेट मैंने नीचे की साइड, और इस पर मैंने एक पिन लगा ली, और ये हम इसका बैक पैनल इसके ऊपर रखेंगे, और अब हम इसमें एक सीधी सिलाई लगाएंगे। जो पॉकेट साइड है वो ऊपर की साइड रखेंगे, और जो सिलाई लगाई थी ना हमने, अब उसी सिलाई के ऊपर सिलाई हमारी आएगी, उससे हमारी एकदम फिनिशिंग से सिलाई आ जाएगी, और पॉकेट हमारी अच्छे से अटैच हो जाएगी, और हम नीचे तक इसको सिलाई लगा लेंगे। इसीलिए वो सिलाई लगाई थी हमने,
उस सिलाई के ऊपर सिलाई करते हुए इसको थोड़ा साइड में कर देंगे पॉकेट को, और नीचे तक हम पूरा इसको सिल लेंगे। सिलाई हम डबल लगाएंगे। सिलाई मैंने लगा ली है और ये देखिए हमारी पॉकेट लगकर तैयार है। ये मेरा बैक साइड है, ये मेरा फ्रंट साइड है, ये पॉकेट हमारी लग गई है। और मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और अब हम बनाएंगे इसकी मोरी। तो मोरी के लिए आप छोटी छोटी चुन्नट भी डाल सकते हैं और या फिर मोटी सिलाई करके धागा खींचकर गैदरिंग भी कर सकते हैं। मैं मोटी सिलाई करके धागा खींचकर गैदरिंग वाला ही करूँगी मैं। तो मैंने ये मोटी वाली सिलाई लगा ली है और अब मैं इसकी 15 इंच लंबाई लूँगी, क्योंकि 14 इंच हमारी तैयार हो जाएगी, 1 इंच हमारी सिलाई में आ जाएगा। ये देखिए मैंने दोनों साइड इस तरह से इसमें गैदरिंग कर ली है और मैंने नीचे पैंचे भी तैयार कर लिए हैं। पैंचे मैंने 1 इंच के ही तैयार किए हैं और कैनवास पर मैंने 1/2 इंच अंदर की तरफ सिलाई लगाकर इस तरह इसको पलट लिया है। और ये जो है ऊपर वाला, ये मेरी सीधी साइड है और इस पर हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे और इसको ऐसे बाहर की साइड फोल्ड करते हुए अपनी सिलाई के ऊपर ले आएंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। आप यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं या अपने कुर्ते की पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। और अब मैं ले लूँगी इसकी चौड़ाई 7 इंच और एक सीधी सिलाई लगा देंगे। सीधी सिलाई लगाते हुए मैं ऊपर आसन की तरफ आ गई हूँ और जो 1 इंच छोड़ा था ना हमने, अब हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। ये मैंने इसलिए छोड़ा था कि जो हमारी जो सिलाई खींचती है ना आसन की तरफ से, इस तरह से हमारी सिलाई नहीं खींचेगी। आप पहले दोनों साइड की इस तरह से सिलाई कर लें और सिलाई हम डबल कर लेंगे नीचे तक। सिलाई मैंने डबल कर ली है। ये हमारी आसन वाली सिलाई है और इसको इस तरह से हमें एक साइड अपोजिट्स करेंगे और जैसे मैं दिखा रही हूँ आप देखो, और यहाँ से हम 2-3 सिलाई कर देंगे। ये देखिए मैंने 2-3 सिलाई करके इसका बंद कर लिया है आसन। और अब हम इसका फ्रंट साइड उठाएंगे। ये पॉकेट वाली है जो हमारा फ्रंट साइड है, जिस तरफ हमारी पॉकेट है, और यहाँ से 4-5 इंच लंबाई में तिरछा लेते हुए आसन की तरफ हम 1 इंच आसन को डाउन कर देंगे। ये मैंने कटिंग कर दी है 1 इंच जितना और तिरछा तिरछा लेते हुए ऐसे, बस इससे हमारा आसन खींचेगा नहीं, ये फ्रंट साइड में ही करेंगे ये कटिंग हम। और अब हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते हुए मैं पॉकेट की तरफ आ गई थी तो मैं आपको दिखाती हूँ। जो पॉकेट को हम इस तरह से करके पॉकेट को अंदर की तरफ दबा देंगे और अब हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारी पॉकेट फिक्स हो जाएगी। इसीलिए वो जो मैंने बोला था ना 1 इंच ऊपर की तरफ रखना है, इसीलिए रखा था। सिलाई मेरी लग गई है चारों तरफ। अब हम डालेंगे इसमें इलास्टिक। इलास्टिक का मेजरमेंट ऐसा होगा, कमर मेरी जैसे 30 है तो उसमें से 8 इंच माइनस कर देंगे तो 22 आएगा, तो उतना हम इलास्टिक रख लेंगे। और इलास्टिक मैंने डाल दिया है और इसमें मैंने ड्रॉ स्ट्रिंग भी डाल दी है। अगर आपको इसमें कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और आप समर में बनाएं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो राम राम जी फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में।